दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए, लोकसभा चुनाव इससे पहले संपन्न हो गए हैं, लेकिन इसमें जो एक खास चुनाव थे वो नहीं हुए। वो क्या खास चुनाव थे? नगर निगमों के चुनाव। आने वाली शायद 8 जनवरी को 3 साल पूरे हो जाएंगे जो फरीदाबाद सहित कई हरियाणा की नगर निगमों के चुनाव लंबित हैं, पेंडिंग हैं। अब ये लगभग 3.5 सालों से क्यों पेंडिंग है? इसके लिए बहुत सारे कारण समय समय पर संबंधित विभाग, अधिकारी और सरकार बताती रही है। कभी कोई बहाना, और इस तरीके से इन्होंने बहाने कर करके नगर निगम के चुनाव लगभग 3 साल टाल दिए। अब ये 3 साल क्यों टाले गए? क्योंकि नियम तो चुनाव कोई भी हो, नियम तो सबके लिए समान है, लेकिन दोस्तों जो हमारी कई नेताओं से भी बात हुई, कांग्रेस के नेताओं से भी हुई, भाजपा के नेताओं से भी हुई, तो इसमें बताया जाता है कि भाजपा सरकार, हरियाणा की सरकार नगर निगमों के चुनाव कराने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुई कि उसको डर था यदि लोकसभा चुनावों से पहले और विधानसभा चुनावों से पहले नगर निगमों के चुनाव कराए गए, चाहे वो फरीदाबाद की है चाहे हरियाणा के किसी और जिले की है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, फरीदाबाद में शायद 11 नगर निगम हैं जिनमें से 10 नगर निगमों के चुनाव पेंडिंग हैं, उसमें फरीदाबाद भी शामिल है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, जब लोकसभा के चुनाव नहीं टाले जाते वो बहुत जरूरी होते हैं, देश चलाना होता है, विधानसभा के चुनाव समय पर इसीलिए कराए जाते हैं कि प्रदेश में सरकार होना जरूरी है और बिना सरकार के कोई भी प्रदेश में काम हो नहीं सकते। जब केंद्र सरकार के चुनाव जरूरी हैं, उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव जरूरी हैं, तो हमारे शहर की सरकार के चुनाव जरूरी क्यों नहीं है? शहर की सरकार वर्षों से क्यों लंबित रखी गई है? इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, एक तरीके से तो ये जो नगर निगम से संबंधित कानून है उनका उल्लंघन है, लेकिन जनता क्या करे? क्योंकि जब तक शहर की सरकार नहीं होती, शहर के विकास में बाधा पड़ती है। अधिकारी तो आम आदमी की सुनते नहीं, आम आदमी उनसे मिल भी नहीं सकता, लेकिन जब निकाय चुनाव हो जाते हैं, नगर निगम पार्षद होते हैं, तो अपने अपने वार्ड के पास उस वार्ड की जनता अपनी समस्याएं लेकर पहुंचती है और वो पार्षद उन समस्याओं का समाधान नगर निगम कमिश्नर और अधिकारियों के पास जाकर तुरंत कराता है और उसमें रात दिन लगा रहता है, जिससे कि उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होता है। पिछले नगर निगम के चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं,
शहर की जन समस्याओं का समाधान न होना भी इसका बड़ा कारण है, क्योंकि पार्षदों का 5 साल का टाइम पूरा हो गया, मेयर का टाइम 5 साल का पूरा हो गया, वो अपने घर बैठ गए, अब जनता के जन प्रतिनिधि रहे नहीं, पार्षद रहे नहीं, तो वो जाएं तो जाएं कहां। इसीलिए शहर की बुरी हालत हो गई, सड़कों पर सीवर फैला हुआ है, सफाई नहीं होती, पार्कों की में गंदगी है, उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, यानी जो भी समस्या है नगर निगम से संबंधित शहर के विकास की, इन चुनावों के ना होने के कारण भी ये समस्याओं का अंबार शहर में बढ़ा है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 24 जून को लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए और पिछले महीने विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हो गए, तो अब सरकार को नगर निगम के चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले जो बताया जा रहा था कि एक एक एमएलए ने 10-10 लोगों को आश्वासन दे रखा था कि मैं तुझे जो है अपनी पार्टी का पार्षद का टिकट दिलवाऊंगा, चाहे सांसद हो चाहे एमएलए हो, सब उनको आश्वासन दे रहे थे और उनका यही था कि भी तुम हमारे लिए काम करो, हमें जिताने के लिए रात दिन लग जाओ, हम जीत जाएंगे तो तुम्हें टिकट दिलवाएंगे। लेकिन टिकट तो एक ही पार्षद के लिए मिलना है, एक ही बंदे को मिलना है, और यदि लोकसभा विधानसभा चुनावों से पहले नगर निगम के चुनाव करा लिए जाते तो टिकट तो एक को मिलता, एमएलए ने आश्वासन तो 10 लोगों को दे रखा था, तो वो 9 लोग उस एमएलए की चुनावों में मदद नहीं करते और खिलाफत करते, और इस तरह एमएलए को हार का मुंह देखना पड़ सकता था। तो ये एक बड़ा कारण बताया जाता है कि इसलिए ये चुनाव निरंतर टाले गए। अब हम बात करते हैं कि आज पूरे मीडिया में भी नगर निगम चुनावों पर चर्चा हुई है और हलचल है पूरी, और कहा जा रहा है कि अब चुनावों की तैयारियां मतलब हो चुकी हैं और नगर निगम के चुनाव, चाहे वो फरीदाबाद है चाहे अन्य हरियाणा की नगर निगमों के चुनाव की बात है, तो ये जल्दी ही होने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल जी, जो फरीदाबाद के विधायक हैं और शहरी स्थानीय निकाय राजस्व आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने देश रोजाना से बातचीत में कहा है कि हाँ, अब जो है नगर निगम के चुनाव जल्द करा लिए जाएंगे, दिवाली के बाद में मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और इसमें जो भी हर्डल है, ये जो किन कारणों से चुनाव रुके हुए थे, उन सारी हर्डल को दूर करके, और ये मैं फरीदाबाद और पूरे हरियाणा की के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि नगर निगम चुनावों की तैयारियाँ अब शुरू हो गई हैं और हम इन्हें जल्दी ही संपन्न कराएंगे, जिससे शहरों की भी सरकार बन सके। तो दोस्तों, मैंने बताया कि अब चुनाव होने में कोई बाधा नहीं है, हरियाणा के मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि दिवाली के बाद वो चीफ मिनिस्टर से मिलकर हरियाणा नगर निगमों के चुनाव में जो भी देरी हो रही थी, उन हर्डल को, उन कमियों को दूर करके हम जल्दी ही इन चुनावों को संपन्न कराएंगे और हर नगर निगम में
जल्द ही उनको उनके पार्षद मिलेंगे और उन पार्षदों जो स्थानीय वार्डों के प्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी फरीदाबाद शहर और अन्य शहरों को के विकासों को गति मिलेंगी। और हम तो साथ में हैं ही हैं, हम लोग जो विधायक हैं जितने भी फरीदाबाद के या हरियाणा सरकार में जितने भी भाजपा के विधायक हैं मंत्री हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों और शहरों को विकसित करने और जन समस्याओं के समाधान को करने में तेजी से कार्य करेंगे। इस बात का आश्वासन हरियाणा के मंत्री ने हमें दिया है। लेकिन दोस्तों मैं इस बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं कि 1994 में पहली बार हरियाणा का को पहला प्रथम मेयर मिला था सूबेदार सुमन, और वो तो फरीदाबाद। सबसे पहले जब नगर निगम बनी तो फरीदाबाद की नगर निगम बनी और उसके पहले जो मेयर थे वो सूबेदार सुमन बने। और वो पहला जो ड्रा निकला था वो एससी कैटेगरी से निकला था और एससी कैटेगरी से सूबेदार सुमन मेयर बने। वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे और वो पूरे साल उन्होंने नगर निगम का अपना कार्यकाल पूरा किया। जब पहली बार मेयर सूबेदार सुमन मेयर बने थे तो उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। लेकिन उस समय जो है पार्षदों की जो संख्या थी वो 25 हुआ करती थी। अब 94 से लगा लें अब कितने साल हो गए, लगभग 30 साल होने जा रहे हैं। अब तक इन 30 सालों में ये कैटेगरी वाइज बनते हैं, कभी रिजर्व कैटेगरी का ड्रा निकलता है, कभी ओबीसी का निकलता है, कभी जनरल का निकलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो जो पहले 25 पार्षद होते थे, 25 सीटें थी पार्षद की, अब वो बढ़कर 46 हो गई, यानी 25 की जगह अब 46 पार्षद चुने जाएंगे। इससे पहले 30 भी रहे, 45 भी रहे, 40 भी रहे, लेकिन बढ़ते बढ़ते जो वार्ड बंदी हुई है नई वार्ड बंदी के अनुसार अब जो है फरीदाबाद में, मैं फरीदाबाद चुनावों की बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद नगर निगम चुनावों की, यहाँ पर जो 46 पार्षद की सीटें बन चुकी हैं। और यदि मैं पिछले 30 सालों में कौन कौन फरीदाबाद का मेयर रहा है तो मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। हो सकता है कि कई लोगों को या युवा पीढ़ी को, क्योंकि 30 साल पहले नगर निगम बनी थी, उनको शायद सबके नाम ना हो, तो मैं बताना चाहता हूँ 1994 में सूबेदार सुमन फरीदाबाद के प्रथम मेयर बने थे। न केवल फरीदाबाद बल्कि हरियाणा के प्रथम मेयर थे जो एससी कैटेगरी से बने थे। उसके बाद देवेंद्र भड़ाना ओबीसी गुर्जर समाज से दूसरे मेयर बने थे। फिर 30 नवंबर पर बल्लभगढ़ से जीती पार्षद अनीता गोस्वामी की किस्मत खुली थी, फरीदाबाद की मेयर बनी थी। फिर जो ब्रह्मवती खटाना, उनके बाद ब्रह्मवती खटाना, वो भी गुर्जर समाज से थी, वो मेयर बनी। ब्रह्मवती खटाना के बाद अशोक अरोड़ा जो एनआईटी फरीदाबाद नंबर 1 के रहने वाले हैं, अब तो खैर वो गुजर गए हैं, वो पंजाबी समुदाय से थे अशोक अरोड़ा, उनका नंबर आया, वो फरीदाबाद के मेयर बने। और अशोक अरोड़ा के बाद सुमन बाला फरीदाबाद की आखिरी मेयर बनी अब तक की, जो निवर्तमान मेयर हैं, वो एससी कैटेगरी से बनी थी लेकिन वो पंजाबी समुदाय से थी और वो अपने नाम के आगे शायद अरोड़ा लिखती थी, पंजाबी समुदाय से अरोड़ा सिंह, सुमन बाला अरोड़ा शायद उनका पूरा नाम और सरनेम लिखती थी। लेकिन उनको चैलेंज किया गया था कि वो एससी कैटेगरी से नहीं थी, दलित कैटेगरी से नहीं थी, उन्होंने फर्जी
एससी का सर्टिफिकेट लगाकर रिजर्व सीट से चुनाव लड़ा और वो मेयर बन गई। और उनके खिलाफ ये मामला जाति मतलब गलत जाति प्रमाण पत्र का यानी एससी के सर्टिफिकेट के दम पर एससी कैटेगरी में वो मेयर बनी, ये मामला अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यानी दलित समाज के लोगों ने कई संगठनों ने मिलकर केस किया था और वो अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब वो 5 साल का अपना कार्यकाल भी सुमन वाला पूरा कर चुकी हैं, उसके बाद 3 साल और गुजर गए हैं, लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट से उसका कोई फैसला नहीं आया है। जो चुनाव संबंधी जितने भी मामले होते हैं, तो मैंने पार्षद का बता दिया, इसी तरीके से जो एमएलए शिकायत करते हैं कभी किसी तरीके की गड़बड़ी हुई है, वो कोर्ट में जाते हैं, या एमपी शिकायत करते हैं, उनका इन सब का जो कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाता है, लेकिन उनको जो है कोर्ट से लगभग, मैं लगभग कह रहा हूँ, हर मामले में नहीं, आम तौर पर कोई फैसला 5 साल तक नहीं आता और उनका कार्यकाल गुजर जाता है। इससे बड़ी निराशा उनमें होती है, उनके समर्थकों में होती है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कार्यकाल के चलते ही उनका फैसला आना चाहिए। इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान होना चाहिए जिससे कि जिस लिए वो केस किया गया है समय पर उसका फैसला हो और जिस व्यक्ति ने केस किया है उसको समय पर न्याय मिल सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा कि फरीदाबाद नगर निगम और हरियाणा के पेंडिंग सभी नगर निगमों के चुनाव जल्दी संपन्न होने जा रहे हैं, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। संबंधित मंत्री ने भी आश्वासन दिया है दिवाली के बाद वो मुख्यमंत्री से बात करके और जितने भी इसमें हर्डल बची हैं उनको समाप्त कराएंगे और जल्द से जल्द फरीदाबाद नगर निगम और हरियाणा की पेंडिंग सभी नगर निगमों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और सब शहरों को उनकी स्थानीय सरकारें यानी शहर की सरकार मिलने वाली है, जिससे विकास गति को गति मिलेगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुद्दा जो नगर निगम चुनावों से संबंधित था। देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।